वेलकम बैक टू फ्री बर्ड। तो आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू एलेटीन लिप ग्लॉस का, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है, नॉन ट्रांसफरेबल है और कलर इज लाला, मतलब परफेक्ट है। मैं बहुत टाइम से ये वाला कलर सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने इतने सारे लिपस्टिक्स ले लिए थे सारे न्यूड शेड में, बट जो कलर मुझे चाहिए था, मैंने इवन लोकली भी जाकर देखा शॉप वगैरह पे, मुझे वो मज़ा नहीं मिल रहा था। बट फाइनली मुझे ये दिखा, और सबसे बड़ी बात है जैसा दिखा था मुझे लगा था कि ऐसा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही मुझे मिला है। और ये है एलेटीन का एयर वेट, मैं दिखा देती हूँ। ये है एलेटीन का लिप ग्लॉस जो बताया मैंने, ये है टॉलीवुड, इसको हम गेरुआ मतलब लोकल अपनी लैंग्वेज में गेरुआ रंग भी बोलते हैं। आपको पता होगा गेरुआ रंग कितना अच्छा लगता है। इसके जो बेस्ट पार्ट लगता है मुझे कि वो फेयर टू मीडियम टू डार्क, मतलब फेयर टू डार्क टोन के साथ आराम से जाता है। और सबसे अच्छा है कि बहुत लाइट वेटेड है, मतलब अप्लाई करने के बाद लग ही नहीं रहेगी कुछ भी आपने अप्लाई किया भी है, और नॉन ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा सबसे। और वन मोर थिंग, इसका ना आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो और डेली टाइम पे और रेगुलर बेसिस पे, तो आई थिंक ये वाला डेली यूज़ के लिए भी परफेक्ट है। बहुत ही लाइट है, लग ही नहीं रहा है एप्लीकेशन के बाद कि कुछ भी ऑकवर्ड या फिर बहुत ओवर, एकदम से स्किन टोन के साथ जा रहा है परफेक्टली, और बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है, ओवर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और एक कॉम्प्लेक्शन भी ना गेरुआ रंग से जितना मैंने जज किया है, गेरुआ रंग के जो कपड़े भी होते हैं, बहुत एक अलग सा ही रिफ्लेक्शन आता है स्किन पर, तो वैसा ही कुछ आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। और मैं इसके बहुत सारे तारीफों के पुल बांध चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा इसके पुल नहीं बांधती हूँ, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ अप्लाई करके कैसा लग रहा है, उसके बाद आप खुद ही जज कर लेना कि कितना प्रिटी कलर है ये। इसीलिए मैंने बताया अपने अदर कलर्स का वेट नहीं किया कि सारे आएंगे तब मैं रिव्यू करूँ, मुझे लगा फटाफट से मुझे इसका रिव्यू दे देना चाहिए और आप लोगों को ले लेना चाहिए। तो मैं इसको दिखा देती हूँ एप्लीकेशन करके, मतलब अप्लाई करके इसका कि कैसा लग रहा है, और बहुत ही स्मूथली अप्लाई भी हो रहा है। तो ये है लिप कलर, सॉरी लिप ग्लॉस। तो अभी हम इसको थोड़ा सा लेंगे, मैं एक्चुअल दिखा तो ऐसे रही जैसे कितनी परफेक्ट हूँ, मैं खुद ही इधर उधर निकाल देती हूँ थोड़ा सा, बट आप बस कलर देखना, ये मत देखना मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, वो आई थिंक आप बेटर लगा लोगे मेरे से। तो ये देखो मैंने कर लिया है अप्लाई, और मैंने सही से अप्लाई किया, इतना भी नहीं निकला है बाहर। और मैंने पता है टी शर्ट भी मैंने ढूंढ के निकाला है कि कुछ इसी कलर का मिल जाए, तो और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना कि मैचिंग तो और अच्छा लगेगा। तो देख लो यार कितना प्रिटी लग रहा है ना, बिल्कुल नेचुरल सा, नो डाउट। मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आया है, एंड नेहा भाप्स मैंने शेयर कर दिया है लिंक, आप जाके बाय कर सकते हो। ये कलर बहुत अच्छा है, जिसको भी लेना है बिंदास ले लो यार, बहुत सही है। बेकार चीज़ें तो मैं दिखाती नहीं हूँ, बता देती हूँ, अगर कुछ भी बेकार निकलता है तो ऑब्वियसली मैं उसका भी रिव्यू शेयर करती हूँ। बाय कर लो, एंड प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल यार, मुझे सच्ची में आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड यस ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड। वन मोर थिंग, बताया मैंने जो नेल पेंट्स के आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाए थे ना, ये दो शेड्स, ये पर्पल और पिंक, मैंने इसमें फाइव शेड्स थे, मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया है, वो जैसे ही आएंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। और मेरा मन था कि मैं फाइव फिंगर्स पे डिफरेंट शेड लगाऊं, तो फिर वो मैं भी शेयर करूंगी, बहुत ही सही कलर्स है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।